हमने सब अधिकारी को कह लिया, सारे जो मंत्री है उनको कह लिया, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। जिस प्रकार से रवासन नदी का सीना चीर दिया गया, गंगा का सीना चीर दिया गया, तो हम लोगों ने तय किया है कि हम इस पूरे प्रकरण को लेकर हाईकोर्ट जाने वाले हैं। हम बिल्कुल किसी भी कीमत पर बख्शेंगे नहीं। जिस प्रकार से बाहर के लोगों ने आकर वहाँ रवासन नदी में लूट खसोट मचाई है, उसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करने वाले। बिल्कुल मैं इनकी संपत्ति की जांच की मांग करता हूं, और एक संत ने भी कहा है बड़े, इनकी संपत्ति की जांच की मांग होनी चाहिए। लेकिन क्या है कि सरकार यतीश्वरन जी की संपत्ति की मांग होनी चाहिए। आप देखिए वहाँ गाजी वाले में कितना बड़ा अलीशान इन्होंने वो बना रखा है, और दुनिया भर की तमाम संपत्ति पता नहीं कहाँ कहाँ है, जिनका हमें नाम भी नहीं पता, लोग ही बताते हैं। तो बेतहाशा संपत्ति इनके पास है। तो ये तो निश्चित रूप से जिस दिन सत्ता में आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी, निश्चित रूप से बकसने वाले किसी को नहीं।